यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र सचरी सुमशिला भक्ति विदान गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र सचरी सुमशिला भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय इस्कान विविटि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्तविंद की जय श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरि गोवर्धन की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की जय श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय श्री श्री सांबेद भक्त वृंद की जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरिनाम का प्रचार करने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन शिल प्रभुपाद पे पुस्तक वितरण की जय बोलो भरूतनी काछी की जय निताय गौर पे मनंदे निताय गौर पे मनंदे सब भक्तों की जयकार गुरु और गौरांग की जय नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमति भक्ति विदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान सुनने वालों का देखने वालों का देश विदेश में सबका धन्यवाद और स्वागत। आज विशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है तो वरुथनी एकादशी की कथा हम पढ़ेंगे पर जैसे गुरु गौर राधा कृष्ण की प्रेरणा होगी फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस वरुथनी एकादशी के व्रत से राजा मानदाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक हो गए। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है क्योंकि देवता पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही
तृप्ति होती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। सब दानों से बड़ा विद्यादान होता है, अतः मनुष्य भरूथनी काची का व्रत करके विद्यादान के बराबर का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका चलाते हैं या कन्या का धन हार लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना मय नरक में जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या का धन उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। प्रिय बंधुओं व माताओं, थोड़ा कन्यादान के विषय में चर्चा करेंगे हम। कन्यादान का बड़ा यहाँ महात्म्य है, लेकिन कलियुग के प्रभाव से ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं, क्योंकि कलियुग के लोगों ने नरक भरने हैं। कन्या कर्ता के जो अभी स्त्री नहीं बनी वो है कन्या, स्त्री का दान नहीं। जब स्त्री कन्या स्त्री बन जाती है उसके दान का पुण्य नहीं है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं प्रभुपाद, उनकी बहन बड़ी भक्त थी, वो भी पिशी माँ, उनका विवाह जब हुआ था उनका कन्यादान 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अरे वो आंखें खोल के रखो, 9 वर्ष की अवस्था में कन्यादान हुआ था। शरीर से हमारी माता भी ऐसे 9-10 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। तो ये जब बातें शास्त्रों की थीं, अब ये विमूढ़ लोग, धर्महीन लोग शासक बन गए, धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म ही नहीं, इन्होंने सब चीज़ों को गलत ठहराया। इन बेचारों को पता नहीं कि इनका फल इनको भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। देखो, पहले विवाह होते थे, कोई तलाक नहीं होता था। कन्या का जब दान हुआ तो उसका ध्यान एक ही पुरुष में रहता था, एक ही पति में रहता था। जब वो स्त्री बनती तो फिर उसका गौना होता, दोफेरा होता और अपने पति के घर वो जाती, और सदा के लिए सुख दुख में पति के साथ ही वो रहती। लेकिन अभी स्त्रियों का दान, कन्या स्त्री बनने से पहले कई पुरुषों का मुंह देखती है, ये सब विदेशियात है, गंदगी है, ये पशुओं का जीवन है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो बड़ी विलक्षण है, अभी भी उसका प्रभाव है। देखो, कन्याओं का दान हो रहा है विमूढ़ शासनकर्ताओं ने, जिन्होंने बड़े समय तक इस भारत पर राज्य किया, तो लोगों को धर्म निरपेक्ष बना दिया, धर्महीन कर दिया, घर घर शराब कर दी, घर घर मांसाहार कर दिया। जहाँ मांस और शराब है वहाँ व्यभिचार है, बड़ी हालत है। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। उन्होंने इस कली काल में भी सनातन धर्म की स्थापना की। आधार शास्त्र है, आधार भगवत गीता है। जैसे एक बड़े पदवी पर बैठे हुए एक व्यक्ति कहता है कि वो जो गुरु थे वो ब्राह्मण नहीं थे,
कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, कर्म से है। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी सृष्टि में चार वर्ण और चार आश्रम बनाए गुण और कर्म से, जन्म कर्म से नहीं बताए भगवान ने। अब ये बड़े पदवी पर बैठा हुआ वो भी देखता हो ब्राह्मण नहीं है, वो भेदभाव। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव करता है नरक का द्वार। इस समय के संत प्रभुपाद हैं, उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की है और उसके अनुसार चलने से इस कलयुग काल में भी हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा गंतव्य स्थान वैकुंठ लोक भगवत धाम है। हमने बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाना है। तो कन्यादान इसके लिए भी कानून ही बदल दिया। पहले भारत में देखो ऐसा था, कोई तलाक नाम का कोई कानून ही नहीं था। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी बेटी ने तलाक देना था तो उन्होंने तलाक का बिल पास करवाया, कानून ही नहीं था तलाक देने का। ये है भारत। आज भी भारत में विदेशियों में तो कोई भी गृहस्थ जीवन है ही नहीं। एक बार हम एक कहीं खड़े थे किसी स्टोर पर अमेरिका में, एक पेपर देखा, पेपर में क्या लिखा है हेडिंग, एक शादी जो है 2 घंटे रही बस, शादी होने के बाद 2 घंटे के बाद तलाक हो गया। एक स्त्री हमको मिली वाशिंगटन डीसी नहीं सियाटल वाशिंगटन में, कहती है मेरी माँ 16 बार शादी कर चुकी है, अब स्थानवा खसम ढूंढ रही है। शिकागो में एक लेक्चर में हमने कहा भाई कैसे देश है जहाँ औरतें 16 शादी कर रही हैं। तो जिसके घर में सत्संग था उसका नाम था कैलाश मेहता, कहते हैं स्वामी जी इतना आपकी इन्फॉर्मेशन ये पुरानी है, एलिजाबेथ टेलर जो है वो 26 बार शादी कर चुकी है, 27वां कसम ढूंढ रही है। ये पशुओं का जीवन है। तो हम पशुओं के जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमको इस नरक से, पशुपत जीवन से निकालने के लिए जो हैं भगवान ने अपने शुद्ध भक्त भेज दिए हैं। हम विदेशियों को आकर्षित हैं, प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भक्त बना दिया, क्योंकि विदेशी आत्मे औरतें बदलने में, मर्द बदलने में कोई सुख शांति थोड़ी है। सुख शांति तो सनातन धर्म के अनुसार चलने में ही है, सनातन के नियमों का पालन करने में ही है, कृष्ण के चरणों का भजन करने में ही सुख शांति है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण जिन चरणन से निकसी गंगा, जन शंकर घटा समाई, शंकर जटासमय जटा शंकरी नाम प्रयोग, जटा शंकरी नाम प्रयोग,
त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन ता भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन। हम कलियुग के बुद्धिहीन लोग विषय विकारों में, स्त्रियों के बदलने में, पुरुषों के बदलने में, मांसाहार में, मदिरा पान में, व्यभिचार में, जुए में सुख ढूंढ रहे हैं। इन चीज़ों में सुख नहीं है। सुख तो कृष्ण के चरणों में है, राम जी के चरणों में है। वो बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए, भाई भारतवासियों, क्योंकि हमें ऐसे जब भारत स्वतंत्र हुआ ऐसे नेता मिले जो धर्म में नहीं मानते थे, इसको धर्म निरपेक्ष राज्य बना दिया, कहाँ ला के भारत को खड़ा कर दिया, कितनी बुराइयाँ आ गईं, कितने दोष आ गए। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता लोग हमको मिले, लेकिन भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेजा है सनातन की स्थापना करने के लिए। भगवान ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानी रभवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ जाता है, भगवान कहते हैं युग पर्यंत युग मैं अवतार लेता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, दुष्टों का दमन करता हूँ और भक्तों को सुख देता हूँ। भगवान आते हैं, और कई बार भगवान अपने भक्तों को ही भेज देते हैं, जैसा देशकाल प्रसिद्ध, क्योंकि 500 साल पहले आए थे, अभी उन्होंने अपने भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया है पुनः सनातन की स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ समझाया है, कोई भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़े वो नास्तिक से आस्तिक बन सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है। तो इस पर विचार करो, माननीय मोदी जी को लिखो, आप लोग पर कन्या दान होना चाहिए, स्त्री का दान नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा है। मनु संहिता पढ़ो, मनु जी महाराज जो कानून दिए हम लोगों के लिए, लाज ला दिए, वो सब कुछ बता रहे हैं मनु संहिता में। कन्या का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद घर में आके रहे, जब वो बड़ी हो गई फिर उसका गौना होता था, फिर वो ससुराल जाती थी। तो सनातन के अनुसार चलना बड़ा आवश्यक है, उसी में हमारा कल्याण है। और कन्यादान का बड़ा पुण्य बताया है, कन्यादान का इतना पुण्य है कि चित्रगुप्त भी जो हैं असमर्थ हैं इसके पुण्यों को बताने में। भृतनी काची करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है, कन्यादान के समान ही मनुष्य को फल मिलता है। भृतनी काची इतनी महान है, बोलो भृतनी काची की जय। भृतनी काची व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी को निम्नलिखित 12 पुस्तों वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 12 वस्तुएं हैं छोड़नी चाहिए, वैसे सदा के लिए नहीं करें पर काची का व्रत करने के लिए छोड़ देनी चाहिए। पहले कांसे के बर्तन में भोजन ना करना। दूसरा उड़द की दाल नहीं खानी। तीसरा मसूर की दाल। चौथा चना। पांचवा कोंदो। कोंदो क्या होगा? छह छाक। सातवा मधु। आठवां दूसरे का अन्न। नौवां दो बार भोजन नहीं करना। दसवां शराब। ग्यारहवां मैथुन। व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा 12 बैल की पीठ पर सवारी करना आदि। एकादशी के व्रत में उपर्युक्त वस्तुओं का
परित्याग करने के साथ साथ निम्नलिखित का भी त्याग कर देना चाहिए। वो कौन कौन? जुगा खेलना, दूसरा नींद लेना, नींद का भी त्याग करने के लिए बताया है, पान खाना, तीसरा, चौथा दातुन करना, दातुन भी नहीं करनी, पांचवा दूसरे की निंदा करना, छठा चुगली करना, सातवां चोरी करना, आठवां हिंसा। हिंसा के बारे में थोड़ा बता दूं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, हिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी का गला काटना ये हिंसा है, किसी को बिला बजा तंग करना ये भी हिंसा है, बिला बजा किसी को परेशान करना ये भी हिंसा है, नौवां मैथुन, दसवां क्रोध करना तथा ग्यारह असत्य भाषण करना आदि। हे राजन, ब्रूतनी काची इस विधि से की जाती है, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति मतलब धाम मिलता है उनको। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही ब्रूतनी काची का व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान करने जैसा फल मिलता है। पढ़ने और सुनने से भी हजार हजार गाय दान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हरि बोल, आंखें बंद मत करो। सब पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए, सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग देनी चाहिए। क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए, यह कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल मिलता है। जीवन में तपस्या भक्ति त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री भविष्योत्र पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। फलाहार, इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। सागार क्या होता है? है? सागार, सागार, सागार कुछ, अरे कथा सुनी नहीं पूरी तुम लोगों ने? अच्छा अच्छा एक और यूपी की वो वकील आई है, ये बता सागार का क्या मतलब होता है? सागार, मैं पढ़ता हूँ। फलाहार, इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। नहीं, नहीं। स्पेकुलेशन, इसका पता काट डिक्शनरी से, है तेरे पास? नहीं, ढूंढ करके शब्द मुझे रिपोर्ट कर। खरबूजे, खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं ले सकते हैं। हाँ, है? ये हिंदी शब्द है कुछ। पर ये भी तो है ना, यहाँ ना जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। तो एकादशी व्रत बड़ा महात्म है और भगवान स्वयं समझा रहे हैं सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए,
अन्न जो है एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। आगे हमारे सिरों पर इतने पाप हैं और पाप हम इकट्ठे ना करें, एकादशी को फलाहार करें, भजन करें, चिंतन करें, भगवान का गुणगान करें। ये वकील है, इसको जगन्नाथ जी के उसके काम में लगाओ केस में, ये क्वालिफाइड वकील है। देखो मैं तुम लोगों को, आपने सुना होगा, मैंने पहले भी कहा, जगन्नाथपुरी वालों ने रथ यात्रा बंद कर दी जगन्नाथ जी की। सुना था मैंने पहले भी कहा, हाँ कल भी कहा था। और जगन्नाथ जी ने दर्शन देना सबको बंद कर दिए, उनकी इच्छा से तो हो रहा है, कोई दर्शन नहीं जगन्नाथ जी ने, बंद था मंदिर पूरी में भी नहीं जा, पता नहीं उनकी रथ यात्रा भी होगी या नहीं होगी, मुश्किल। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया। प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने रथ यात्रा की, वो नहीं जानते थे ऐसा। रथ यात्रा अगर आगे पीछे होती है तो फर्क का क्या है उसमें, हाँ धमकी दी कि हम आपका उड़ीसा का मंदिर तोड़ देंगे, हम क्या चलो क्या जी कुंडा कर दी है। उसमें एक बड़े पद का व्यक्ति पीछे इन्वॉल्व है, वो ईर्ष्या करता बड़ा। और देखो कि प्रभुपाद जी ने सबको भक्त बनाया, महाप्रभु के जीवन में, महाप्रभु जब वृंदावन से जा रहे थे तो रास्ते से मैं मूर्छित हो गए, तो भगवान के जो तीन चार पार्षद थे भगवान के आगे पीछे खड़े हैं, क्योंकि गौर भगवान सदा राधा भाव में रहते थे, कई बड़े भाव भी वो रोकर मूर्छित हो जाते थे। तो भगवान जो हैं पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उस समय पठान मुसलमानों का राज था, पठानों का जो राजकुमार था और उनके धर्म गुरु और कुछ 10-15 आदमी घोड़ों पर जा रहे थे, उन्होंने गौर भगवान को मूर्छित पड़ा देखा। गौर भगवान को जब मूर्छित पड़ा देखा तो सोचने लगे अपनी मंद बुद्धि से, एक रूपवान सन्यासी है और ये आगे पीछे इसके जो खड़े हैं के ठग हैं, इन्होंने उनको धतूरा खिलाकर मार दिया है और सबको बंदी बना लिया उनको, क्या तुमने उसको मार दिया। कहते नहीं हमने नहीं मारा, क्या नहीं झूठ बोल रहे, बंदी बना लिया। उनमें ये वर्णन आता है, दो बंगाली भक्त तो कांपने लगे, इनका राजा मार देंगे अभी। एक और थे कुछ सिंह नाम के वैष्णव थे, कुछ नाम पता नहीं, कल्याण सिंह कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने बोला नहीं मेरे पास भी छाना है, बड़े उन्होंने हिम्मत की। आखिर जब भगवान की मूर्छा भंग हुई, कहने देखो हमने इनको बंदी बना लिया, हम इनको मार देंगे, इन्होंने आपका पैसा लूट लिया, गौर भगवान कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ। उन्हें क्या समझाया, उन्होंने कहा कि मुझे मिर्गी का रोग है, मुझे मिर्गी पड़ जाती है तो यही मेरी सेवा करते हैं। तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, खड़े खड़े वहीं पर क्या किया भगवान ने, उस राजकुमार को भी वैष्णवी दीक्षा दी महाप्रभु ने, और उनका जो धर्मगुरु था उसको भी वैष्णव, किसी को रामलाल, किसी को कृष्णदास, सबके नाम बदले। उनके वंशज आज भी चले आ रहे हैं पठान वैष्णव। तो एक ये धर्मगुरु कहता है वो तो ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में जन्म से कोई है ही नहीं ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार ज्योतमा वेद पाठी भवद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। किस ब्राह्मण में आज शक्ति है श्राप देने की, कोई भी नहीं दे सकता। तो ये मतलब ब्राह्मण नहीं है, ये नहीं है, वो बड़ी ऐसी बातें कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है उन्होंने किया। उसी से ये करोना बीमारी फैल गई, पूरे दुनिया में फैल गई, कितनी महामारी हो रही है। अगर ये रथ यात्रा ठीक नहीं होती, खराब होती, तो ये तो 54 साल से चल रही है, 54-55 साल से रथ यात्रा चल रही है, तब कुछ होता, कुछ भी नहीं हुआ। अभी जब इन्होंने रथ यात्रा बंद की, जगन्नाथ जी की नहीं कर सकते, अरे वो जगत के नाथ हैं सबके हैं, तुम्हारे ही थोड़े हैं कोई, तो ये ऐसा हो गया।
जगन्नाथ जी का वो झंडा भी जल गया था ऊपर, और अपना उनका बैंक, बैंक की चीज हो गया, यस बैंक था, अभी वो नो बैंक बन गया, उसका नाम बदल गया नो बैंक, कोई बैंक नहीं। और मंदिर का, जगन्नाथपुरी मंदिर का बताया पता नहीं कितना, 1 अरब और कितना पैसा उसके पास था, हैं 556 करोड़, तो अरबों में ही हो गया ना सारा, झटका तो लग गया ना। लेकिन इनको कोई लोग, लिखो तुम वकील वकालत कर, तेरी ड्यूटी है ये, लिखो पत्र लिखो, तुम भी लिखो अपनी तरफ से। हाँ बस बस बस, लोगों को तुम बोलो भाई ये बहुत अपराध किया है, नहीं तो करोना ख़त्म कर देगा दुनिया। करोना जो है अमेरिका की तो बुरी हालत हो रही है। और एक पता एल सेल्वाडोर बताया, उनको जब डेड बॉडी देते हैं सड़क पर फेंक देते हैं उसको, क्या करें लोग बेचारे। इटली में गति खराब, फ्रांस में खराब, इंग्लैंड में खराब, लोग मान ही नहीं रहे, बुरी हालत हो रही है। ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सब जगह होती थी, इटली में भी होती थी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, अमेरिका में भी, सब जगह। तो ये अपराध है। तो सब लोग, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अब सभी लिखो एड्रेस क्या है उनका, ढूंढ के हैं वो, हम एड्रेस भी आपको देंगे किसको लिखना है, हैं मंदिर के एड्रेस पे भेज सकते हैं। तेरे पास है एड्रेस? हाँ ये इससे ले लेना। अच्छा एड्रेस बता दे, मैं बता देता हूँ सबको, हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा उसको लिखो, आई अफसर को लिखो तुम, ये मंदिर का मैनेजमेंट देखता है जी। अच्छा इसको लिखो महापात्रा को, नहीं चीफ को लिखो, दोनों को लिख दो। ये शुरू कर, मुझे रिपोर्ट दे फटाफट, और ईमेल है ठीक है, ईमेल लोगों को बता दें क्या ईमेल है, तुम सबको कर देना उसमें व्हाट्सएप, हैं सबको ईमेल आपको भेज देते हैं, उनको लिखो ईमेल करो। वो जो महापात्रा जी हैं उनको बताओ भाई जगन्नाथ रथ यात्रा आपने बंद की, सारी दुनिया की बुरी हालत हो रही है, तुरंत ये जो बैन लगाया इसको हटाओ, आप करो अपने टाइम पर, और बाकी लोगों को अपने टाइम पर करने दो। ये 54 ईयर से हो रही थी, कोई कुछ नहीं बुरा नहीं हुआ, अभी इतना बुरा हो रहा है। आपका बैंक बंद हो गया, आपका जगन्नाथ जी के मंदिर का झंडा जल गया, और ये बीमारी फैल गई महामारी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं, समय समाप्ति है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा। कल मैंने कहा था हमें कुछ नहीं करना, तुम लोगों की समझ में आया, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना कुछ नहीं, क्यों यहाँ से हैं ही नहीं हम, नाम ये शरीर है, नाम यहाँ से हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ बिना कुछ किए हुए रह भी नहीं सकते। तो जो कुछ भी करना है कृष्ण संबंधी करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। ये एकादशी भी कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण खुद कह रहे हैं एकादशी करने के लिए, मतलब हमने कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। मैंने उदाहरण दिया था जीरो का, कृष्ण से संबंधित जो हमारे काम नहीं है वो ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाना है। जितने मर्जी जीरो बनाओ कोई वैल्यू नहीं, 1 लाख जीरो बना दो, 2 लाख बना दो, 3 करोड़ों बना दो, कोई वैल्यू नहीं। एक लाइन जब बनाओगे तो जीरो की वैल्यू हो जाएगी, 10 बन जाएगा, वो एक लाइन कृष्ण भगवान है, ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो हमें
कृष्ण भगवान के लिए कार्य करना है और क्यों करना है कृष्ण भगवान के लिए कार्य, प्रश्न उठता है, क्योंकि हम सब कृष्ण के हैं। ये भी कृष्ण भगवान ने गीता में समझाया है। भगवान ने कहा ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानि कर्षति मन ममे वंशो, सारे जीव मेरे वंश हैं और जीव सनातन है, आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। लेकिन नश्वर शरीर में फिर क्यों आए हम भाई? क्योंकि हम भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवंशा करे पाशे थे माया तारे झापटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है, वो माया के निरीक्षण में आ जाता है। हम सब माया के निरीक्षण में हैं। और संदेश ये है भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता में, माया के निरीक्षण से निकल करके मेरे निरीक्षण में आओ। अभी हम जब भगवान के निरीक्षण में नहीं है तो हम दुरात्मा हैं। सब महात्मा बनो। महात्मा की परिभाषा ही भगवान समझा रहे हैं। महात्मा कौन है? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वो मेरी देवी प्रकृति, देवी प्रकृति राधा रानी के अधीन आ जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का संचालन राधा रानी करती हैं। आओ थोड़ी राधा रानी से प्रार्थना कर लें। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा राधे 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 कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा राधे 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 जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महाबान। केशी घाट वंशी वाट द्वादश कानन। केशी जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री धाम आदि जय जय देनु भस्तगण। श्री धाम आदि जय जय देनु भस्त। जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय जय पौर्णमासी जय आविर नागरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन मान। जय जय कृष्ण सखा बटु ध्वजरा। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन। जय दुज पत्नी जय नाग कन्या गण। बाकी तेज हारा पाइला गोविंद चरण। शिरास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रासलीला सर्व मनोरम। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार। जय जय उज्ज्वल रस परिकिया भावे जहा ब्रिजेते प्रचार। परिकिया भावे जहा ब्रिजेते प्रचार। श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय जग जगन्नाथ
जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जो भक्ति करता है वो राधा रानी के अधीन आता है। अभी देखो जगन्नाथ जी के ये जो स्वरूप हैं, हाथ पांव नहीं है, ये वृंदावन का भाव है। जगन्नाथ भगवान भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। अभी वहां जो कार्यकर्ता है पुरी में, भक्त तो मेरे ख्याल में कोई भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित तो होगा नहीं, भौतिक दृष्टि से बड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन भक्तिभाव ना होने के कारण वो कैसे जगन्नाथ जी की लीलाओं को समझेंगे। और वो जो गाइड कर रहे हैं उनका ज्ञान मार्ग है, उनका भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान कलयुग में भक्ति की प्रधानता है। जगन्नाथ भगवान ने भाव और भक्ति, ये वृंदावन के भाव स्वयं भगवान इन स्वरूपों में हैं, और नारद जी की कृपा से कलियुग के लोगों पर इन स्वरूपों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्रधी महाराज कृपा कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्गी कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे। कल ही मैंने बताया रामानुज जो हैं वो तो अवतार थे लक्ष्मण जी के, उन्होंने बोला भाई त्रिलोकीनाथ भगवान जगन्नाथ राम कृष्ण एक ही हैं सारे, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, उनकी सेवा बड़े विशेष ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने पंडों को हटा दिया, ये हिस्ट्री है भक्तमाल में ये कथा है, हटाया पंडित बेचारा दुखी हो गए। पंडे भाव से सभा कथा भगवान की सेवा पूजा करते थे, जब वो बड़े तरीके से तो जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगा, समझाया भी रामानुज को नहीं आपकी सेवा अच्छी तरह होनी चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान ने सुदर्शन उनको गरुड़ जी को कहा कि रामानुज को सोया सोया इनके दक्षिण में वहीं पहुँचा दो उनके मठ में। तो ये हिस्ट्री है, भगवान को भाव अच्छा लगता है, वो भावग्राही हैं और वृंदावन का भाव है। अभी नीलाचल और सुंदराचल, भगवान नीलाचल से सुंदराचल जब जाते हैं कौन सी गुंडीची का गुंडीचा, वो वृंदावन है, वहाँ जाकर भगवान 7 दिन रहते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो ज्ञान मार्गी उनका ज्ञान महान है, लेकिन कलियुग के लोगों को भक्ति चाहिए। और जिसकी प्रशंसा महाप्रभु ने भी की, मैंने पहले भी कथा आपको सुनाई थी, महाप्रभु ने श्रीरंगम में एक ब्राह्मण जो अनपढ़ था, गीता हाथ में लेके रो रहा था, तो दूसरे पढ़े लिखे ब्राह्मण समार्थ जो हैं जिन्हें सारी गीता कंठस्थ थी, वो हंसी कर रहे थे। कली पावन अवतार गौर भगवान के पास गए, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, क्या बात, कहते ये देखो एक ब्राह्मण है अनपढ़, गीता से पकड़िए जैसे पढ़ रहा है। उनकी हंसी दर्शा रही है कि उनको अपनी विद्वता का अहंकार है, विद्वता तो है लेकिन भाव भक्ति नहीं है। और गीता में स्पष्ट किया भगवान ने 18वें अध्याय में, भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ।
भगवान इनसे कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है, कृष्ण भगवान से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, कृष्ण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सब कारणों के कारण। ये ब्रह्म जी ने भी कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो भाव से, वो भावग्राही हैं, और भगवान ने खुद भी कहा कि मैं भक्तों की भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो ये भाव और भक्ति का आंदोलन है, और भक्ति कोई भी कर सकता है। ज्ञान मार्गी कहें जाति की बात, तो शबरी की क्या जाति, रसखान पठान की क्या जाति, रसखान पठान की आज भी समाधि वृंदावन में है। रसखान जो थे पठान थे, और भगवान ने आकर के उनके लाए हुए पादुकाएं जो है धारण की थी, और कितने सुंदर रसखान जी की समाधि। ताज बीबी जो थी वो मुगलों की रानी थी, वो भी वृंदावन में रही, उनकी भी समाधि है। तो भक्ति तो शरीर का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय है। आत्मा सभी में है, वही आत्मा हिंदू में, वही मुसलमान में। भगवान भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। भाव किसी जिसमें जागृत हो भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं। शबरी के देखो, शबरी के जूठे बेर भगवान खा रहे हैं, उखला रही है, क्योंकि भाव से भरी हुई है, भावग्राही। तो हमें राधा जी के अधीन आना है, महात्मा बनना है। महात्मा भक्ति से बनेंगे हम। महात्मा पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, ऊंच भी हो सकता है, नीच भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। जिसका भाव जागृत हो गया, जैसे महाप्रभु ने उस अनपढ़ ब्राह्मण को कहा था, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, जो गीता लेकर हाथ में पढ़ सकता नहीं था, ऐसे ही रो रहा था। कहते क्यों रो रहे हो तुम? कहते मेरे गुरुजी ने कहा था गीता पढ़ना, तो मैं तो अनपढ़ हूँ इसलिए रो रहा। कहता नहीं, गुरुजी की आज्ञा पालन करने के लिए मैं गीता हाथ में लेता हूँ, तो ये फोटो देखता हूँ भगवान की, कि भगवान कितने दयालु हैं। कृष्ण अपने भक्त और सखा अर्जुन के सारथी बन गए, रथ चला रहे, ड्राइवर बन गए। इस बात का मुझे बड़ा रोना आता है कि भगवान कितने भावग्राही हैं। महाप्रभु कौन है? जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। भगवान ने अपना छठभुज रूप भी दिखाया है, वही गौर ही तो कृष्ण उनको कह रहे हैं, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, जो जिन्हें गीता कंठस्थ वो ये बेकार पाषंडी। गीता का मर्म है भाव और भक्ति, और ये जगन्नाथ भाव के स्वरूप हैं। इनको ज्ञान मार्गी हरण करने का प्रयास ना करें, जैसे हो रहा था वैसे होने दें, बदलाव मत लाएं। कितना है, कैसा ये करोना फैल गया, ये जगन्नाथ भगवान की इच्छा नहीं होता, तो हो सकता है, हो सकता है भगवान की इच्छा है। भगवान के मंदिरों के दर्शन बंद हो गए, भजन कीर्तन बंद हो गया। तो इसलिए मेरी निवेदन है पुरी के निवासियों से और महापात्रा जी से, ये जो आपने बैन लगाया इसको हटा दो और पूरी दुनिया को बचा लो, भारत को ही बचा लो, मेरी ऐसी निवेदन है। और मैं जैसे कह रहा था कि हमें कुछ नहीं करना, जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो एक ब्लैक बोर्ड पर जीरो बना रहे हैं, जीरो की कोई कीमत नहीं है इस संसार में। तो जब हम भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लेंगे, तो हम राधा रानी के संरक्षण में आ जाएंगे। महात्मा का ध्यान राधा रानी रखती हैं। भगवान कह रहे हैं ना, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माशिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादि मभ्यम। जो महात्मा है वो मेरी देवी प्रकृति यानी कि राधा रानी, उनके संरक्षण में आ जाते हैं। मुझे याद है एक बार हम
1975 की बात है, जहाँ मैं प्रभुपाद जी का सेवक था यहीं वृंदावन में, तो प्रभुपाद रोज़ सुबह सैर के लिए इस भक्ति विनान स्वामी मार्ग पर जाते थे, काफ़ी दूर तक आगे तक जाते थे। तो एक ब्रिजवासी गुजरा, राधे राधे कहता होगा, प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि देखो ब्रिजवासियों ने राधा जी का आश्रय लिया होगा। राधा रानी ब्रिज की महारानी है, यही आध्यात्मिक जगत का संचालन राधा रानी करती हैं और भौतिक जगत का संचालन दुर्गा माता करती हैं। मया दक्षिणा प्रकृति सुयते सा चराचरम। तो राधा रानी आध्यात्मिक जगत, वृंदावन राधा जी के अधीन है। प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि देखो ब्रिजवासी राधे राधे बोलते हैं। तो हमें राधा जी का आश्रय लेना है, भक्ति करनी है, राधा जी के संरक्षण में आना है। एक मुझे और छोटी सी बात याद आ गई, एक यहाँ वृंदावन में ही आश्रम है, जगह है, सुरभि कुंज में कुछ मंदिर हैं। तो सुरभि कुंज में, ये कोई 300 साल पुरानी बात है, एक कपूर नाम के व्यक्ति, शायद उनका रामलाल कुछ ऐसा कपूर उनका सर नेम मुझे याद है, वो बड़े भक्त थे, वो मुल्तान में रहते थे। उनको कृष्ण भगवान ने सपने में दर्शन दिए, कहा कपूर तुम वृंदावन आ जाओ। भगवान ने कहा, उन्हें घर वालों से कहा कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ आगरा, आगरा के पास वृंदावन पास, वहाँ से फिर वो यहाँ आ गए, इस आशा से यहाँ आ गए, फिर वापस नहीं गए इस आशा से कि भगवान दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं दे रहे भगवान। उनकी नेत्र ज्योति चली गई, बिना नेत्र ज्योति के कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। एक दिन राधा रानी ने देखा उनको बिना नेत्र ज्योति के परेशान हो रहे हैं बेचारे, और कपूर जी परेशान हो रहे हैं नेत्र ज्योति के बगैर। तो उन्होंने, राधा ने जब देखा तो जाके कृष्ण को बोला, कृष्ण भगवान को कहा कि आपने इसको यहाँ कष्ट देने के लिए बुलाया था, क्यों आप दर्शन क्यों नहीं देते उसको अभी, वो बेचारा बिना नेत्र के परेशान है इतना, आपने सपने में उसको बुलाया यहाँ। तो तब कृष्ण भगवान ने ये कहा था, राधा रानी तुम ब्रजेश्वरी हो, वृंदावन की महारानी हो, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ उसको, प्रभु जल्दी चलो। दोनों राधा कृष्ण आए कपूर जी के पास, जो सुरभि कुंज में रहते थे, आए और राधा रानी ने एक अंजन आँख में डालने वाली दवाई कपूर जी की आँखों में डाली। जब डाली तो सामने क्या देखते हैं, जुगल जोड़ी विराजमान है। तो उन्होंने उनका नाम रखा नैना आनंद, आँखों के आनंद भगवान। तो वहाँ भी जो विघ्ना भगवान के हैं उनका नाम नैना आनंद ही है जो कपूर जी ने रखा हुआ। तो ये ब्रज धाम बड़ा महान है और ये भगवान का धाम, आज भी भगवान यहीं विराजते हैं। वृंदावन जो नंद बाबा के पुत्र हैं, वृंदावन के जो कृष्ण हैं, वो वृंदावन छोड़ कर नहीं जाते कभी भी, यहाँ के हमने भजन भक्ति करनी चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्रजी महाराज की, हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद सुनने वालों का। कोई प्रश्न किसी को? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अभी आपने कन्यादान का महत्व बताया, किंतु यदि कोई कन्या विवाह न करके कृष्ण भक्ति करे तो उसका क्या महत्व है? भक्ति क्या? अरे उसका बहुत महत्व है, वो जो कृष्ण भजन करे यही तो जीवन है। बहुत सारी माताएं हुई जिन्होंने विवाह नहीं की और कृष्ण भक्ति की उन्होंने।
हमारे पास जो माताएं हैं वो भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगे, जैसे कुंती माता है, भक्ति माता है, और भी कई माताएं हैं, बड़ा पुण्य है उसका, बहुत अच्छा है। ये ब्याह तो ऐसे ही झंझट है। जैसे मेरे एक संपर्क में आया तो मैंने कहा भाई शादी शुदी क्या करना है, नहीं करनी है, मैं वचन दे आया हूँ, वचन दे आया हूँ। तो बाद में फिर एक झगड़ा था उसके साथ, झगड़ा जब करते उसको कहता है तेरे को कुछ हो जाएगा मैं दूसरी ले आऊँगा जाकर, ये मजाक बना रखा ऐसे ही। एक और एक ही कथा, एक और तो उसको मना किया मैंने, मेरे पास आया कहते हमारे गुरु बनाना आपको, मैं सुना कहते महाराज मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी कहते शादी नहीं हुई पर मेरी सगाई हुई है। मैंने कहा मत कर भाई तू, कहते बात ठीक है आपकी लेकिन वचन दे दिया है। मैंने कितनी बार कहा होगा उसको, कई बार कहा नहीं कर मत कर मत कर, आखिर कर ली। कहते वचन नभाया ऐसा। एक दिन उसने क्या किया कि तू मेरे को शादी करके लाया, अभी भक्ति करता है तू, मैं मरती हूँ, उसने गले में तार बांधी, मरने लगी जब तो दर्द हुई उसको, कहा तेरे को साथ मारती हूँ। उसके गले में तार बांधी, मुझे कहता है दर्द हो रही है मुझे भी। और कहता ये सबसे बड़ी गलती मैंने की, यही कहता था नहीं वो, क्या कहता था क्या कहता था, और कितनी बार समझाया होगा उसको मैंने, अनगिनत बार। हाँ और प्रश्न किसी का, श्याम बिहारी दास सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जैसे हम लोग जरूरतमंद लोगों को प्रसादम वितरण कार्य कर रहे हैं, तो आज एकादशी का व्रत है, क्या लोगों को एकादशी प्रसाद ही देना चाहिए या अन्न प्रसाद भी दे सकते हैं? अन्न प्रसाद नहीं दे सकते, एकादशी को अन्न खाना और देना दोनों अपराध बताए हैं। आज अगर देना तो एकादशी प्रसाद दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो उनको, आज नहीं देना अन्न। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हाँ। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। एज अ गृहस्था एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेसिंग इन भक्ति, हाउ बेस्ट कैन आई बैलेंस 24 आवर्स कंसिडरिंग चेंटिंग रीडिंग प्रभुपाद बुक्स पर्सनल वर्क एंड ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्सरसाइज रेस्ट एटसेट्रा? बैलेंस करो भाई, भक्ति ज़्यादा करो। ऐसा कहा है कीमती समहारी भजन का, बोलो कीमती समहारी भजन का, व्यर्थ में मत खोय, क्या पता कल बदन में ताकत होए न होए। अब ये समय मिला भजन कर, क्या पता कल बदन में शरीर में ताकत रहेगी या नहीं रहेगी। मैं एक बार इंग्लैंड में एक घर में गया था विजिट करने, उनका नौजवान लड़का 30 साल का होगा, बेड रिटन है, कुछ नहीं कर सकता, बेड पे पड़ा हुआ है, कहते कोई कैसी बीमारी लग गई है। तो क्या पता कल बदन में ताकत हो या नहीं हो, बस अभी भजन करो भगवान का, भगवान के चरणों में जीवन की डोरी सौंप दो। जो तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। भगवान पर निर्भर होना सीखो तभी कल्याण है। हाँ और रामकृष्ण प्रभु अमेरिका से।
अच्छा पहला प्रश्न रामकृष्ण कर रहा है आज, रामकृष्ण हैं एक दिन पहले भी किया था, किया था पर वो पहुंचा नहीं था, आज पहुंचा सही तरीके से फोन करके बोला। आपने काशी महात्म्य में बताया था कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, तो कांसे के बर्तन में हम पानी पीते हैं तो क्या वो पी सकते हैं या नहीं? नहीं पानी भी नहीं, पीतल के बर्तन में पियो। प्रश्न ढूंढ ही लिया रामकृष्ण ने कांसे पीतल का। हाँ पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी आज मेरा प्रश्न नहीं है, आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु जी आप जैसे शुद्ध गुरु पाकर मेरा जन्म सार्थक हो गया है, और मेरा ही नहीं पूरे संसार में जितने आपके शिष्य हैं सब आपको गुरु रूप में पाकर धन्य हो गए हैं। गुरु जी जो आप अपने शिष्यों को बार बार बताते हो कि निष्काम भक्ति करनी है, और गुरुदेव आप मंगल आरती करने के लिए बार बार बल देते हो, गुरु जी ऐसी शुद्ध शास्त्र की बातें आप बताते हो जिनका पालन करने की हम सभी कोशिश कर रहे हैं, आप धन्य हो गुरुदेव। अगर हम शिष्य आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। गुरु जी 2013 में आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला था, तब बड़ी ही मुश्किलों के बाद आपको पाया। लगभग 2011 से कई संतों के दर्शन किए पर कभी सच्ची बात बताने वाले संत नहीं देखे। जय हो मेरे गुरुदेव, मेरे तो माता पिता सब कुछ आप ही हो, आपकी मेरे व मेरे परिवार पर बहुत कृपा है, आपकी अनुभूति हर दिन महसूस करती हूँ, आपकी लीला अपार है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ, आपके चरण कमलों में अनुराग हो, आपका यश तीनों लोकों में फैला है। हे गुरुदेव मुझ पर व मेरे परिवार पर दया कीजिए, अपने चरणों की छाया दीजिए। धन्यवाद तुम्हारा पद्मा माता। सुप्रिया माता नोएडा से, हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव परिवार में कोई एकादशी ना रखता तो उनके लिए अन्न प्रसाद बनाना पड़ता है और खिलाना पड़ता है, तो ये अपराध है क्या? मजबूरी है, ये अपराध नहीं है, मजबूरी है, स्त्री पराधीन है बेचारी, मजबूरी उसके लिए, अगर नहीं खाता करता को रखता कोई तो उसको कोशिश करके एकादशी का व्रत कराओ। नवीन प्रभु वॉशिंगटन से, नवीन तू भी देख रहे हैं आज। महाराज जी दंडवत प्रणाम। प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स दैट वी कंटिन्यू टू इंटेंसली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कन्फिनमेंट एंड बियॉन्ड। महाराज जी हाउ कैन वी मेंटेन द सेम ट्रेंड आफ्टर दिस कन्फिनमेंट? समझ नहीं आई क्या? इसके बाद भी हाँ उस सब का अपना अपना इंडिविजुअल है, कोई बाद में भी लगे रह सकते हैं, कोई बदल भी जाते हैं, स्वार्थी लोग हैं हम, जब स्वार्थ सिद्धि हुई फिर नहीं करते, डिपेंड करता है ये है तो कर देना। नितेश भट्ट जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। गुरुदेव इफ यू कुड बी मर्सीफुल टू मी एंड काइंडली एक्सप्लेन द थर्ड नाम अपराध दैट इज कंसीडरिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑर्डिनरी पर्सन, सो दैट आई कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एंड बी केयरफुल नॉट टू कमिट इट। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स गुरु महाराज। ये आउट ऑफ सब्जेक्ट बात है, रितेश क्या नाम उसका, नितेश, आउट ऑफ सब्जेक्ट मैटर बात है पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम जब जिसको भी गुरु बनाते हैं उसके प्रति श्रद्धा रखनी है, उस श्रद्धा रखेंगे तो तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। पहले गुरु जो है बड़े कहा है कि गुरु करना जान के
और आटा खाना छान के गुरु बड़े ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, ऐसे नहीं गुरु बनाना चाहिए। जब बना दिया तो उनके प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और आज्ञा पालन करनी चाहिए उनकी। गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। अगर हम भगवान के प्रतिनिधि को खुश करने में, प्रसन्न करने में सफल हुए तो भगवान को ही प्रसन्न करने में सफल हो पाएंगे। अगर भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न नहीं कर सके तो भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे। बस सबका पुनः धन्यवाद, सुनने देखने वालों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। हरे कृष्णा। सभी दर्शक गणों का को प्रणाम मेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी का रोज सत्संग चैनल पे सायंकाल 8:40 से 9 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और ये नित्य प्रतिदिन चल रहा है। इसमें बहुत सारे भक्त लोगों ने सहयोग किया है, उनकी बदौलत ये कार्यक्रम चल रहा है, महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है। और आज मैं हिज ग्रेस नवीन कृष्ण प्रभु जो कि वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, उनका धन का सहयोग आया है, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सब भक्तों की ओर से और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में कि उनका उनके परिवार का जो है भक्ति में प्रगति हो। हरे कृष्ण।